नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 42 इयर्स मेल पर्सन और ये डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कब नेम फेम मिलेगा, मिलियनेयर बन पाएंगे क्या, और परिवार से सपोर्ट कम है, कुछ इस तरह की चीज़ें इनके क्वेश्चंस हैं। तो जीवन में क्या क्या कर पाएंगे, अपना कोई साइड बिजनेस या साइड में कोई और काम शुरू कर पाएंगे क्या, इस तरह की इनकी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनका हाथ क्या कहता है। देखिए, हाथ में क्या होता है कि अगर हम बिजनेस की बात करें या अपना कोई काम और शुरू करने की बात करें तो इस तरह की रेखा हाथ में दिखाई देती है। तो अपने काम के बड़े अच्छे लक्षण हैं, अपने काम के, अपना कोई भी किसी तरह का कोई भी मेडिकल से रिलेटेड वर्क अगर ये और करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे इनके हाथ में चांसेस दिखते हैं। ये देखिए, अच्छी बुध रेखा है और यहाँ पर हाथ में देखें तो ये भाग्य रेखा डबल हो रही है, तो ये दो इनकम के योग बना रही है। ऐसे में इंसान को डबल इनकम के योग होते हैं, इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने जैसे बताया गवर्नमेंट जॉब है, तो रिटायर होने के बावजूद भी ये रेखा इस तरह से चल रही है, यानी कि जो भी कोई अगर साइड बिजनेस करते हैं, कोई अपना और काम शुरू करते हैं, उससे भी इनकम इनके जीवन में बनी रहेगी। देखिए, दोनों रेखा कुछ इस तरह से चल रही है। ये रेखा यहाँ पर आकर 60 वर्ष में रुक जाती है, लेकिन ये रेखा चलती जा रही है, यानी कि अपनी प्रैक्टिस को आगे ये चलाए रखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के दो तीन वजह मिली मुझे हाथ में, कि एक तो यहाँ पर इस तरह की सूर्य रेखा, लंबी सूर्य रेखा हाथ में है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ तक इस रेखा का आना तो लाभ दिलवाता है, हृदय रेखा लंबी है, और साथ में अगर हम देखें तो सूर्य पर्वत पर, ये देखिए, ये इस तरह का ये त्रिशूलनुमा चिन्ह भी है, इस तरह का त्रिशूलनुमा चिन्ह है। तो ये सब चीज़ें इनको सरकारी लाभ दिला रही हैं। अब हाथ में इन्होंने पूछा कि घर से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है, और कुछ जैसे होता है कि मान सम्मान मिलने की दिक्कत होती है। तो देखिए, ये जब गुरु इस तरह का दबा हुआ होता है तो इंसान को घर परिवार से मान सम्मान कम मिलता है, घर वालों से कई बार नाराजगी झगड़ा बना रहता है, और साथ में अगर हम देखें तो गुरु पर यहाँ पर ये इस तरह का तिल है। ये जब भी तिल होता है तो इंसान के, देखिए क्या होता है कि आप कितने ही लोगों के लिए भला करें, कितने ही लोगों के लिए अच्छा काम करें, लेकिन उसके बाद में अंत में ताने ही सुनने को मिलते हैं। अंत में होता है कि तुमने क्या करा हमारे लिए, कुछ करा भी है हमारे लिए, जो करा होगा करा होगा, हमें नहीं पता, कुछ इस तरह के जो एक कहना चाहिए कि कटु शब्द सुनने को इंसान को मिलते हैं। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह की कटी हुई रेखा ये जा रही हैं। तो जब ऐसी रेखा जाती हैं या अंगूठे के इधर से, तो ये भी पारिवारिक मतभेद करवाती हैं। अब आते हैं हाथ में, देखते हैं कौन कौन से अच्छे चिन्ह हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको जीवन में बहुत तरक्की कराएंगी, और क्या ये मिलियनेयर बन पाएंगे, इस तरह की चीज़ें। और इन्होंने ये भी पूछा कि पति पत्नी से जो संबंध हैं वो कब सुधरेंगे। यहाँ पर अगर हम इनकी मैरिज लाइन देखें तो ये देखिए, मैरिज लाइन इनकी थोड़ी खुरदुरी है, यहाँ पर ये देखिए खुरदुरी सी है, और आगे जाके ये दो भागों में बट रही है। तो दो भागों में जब भी मैरिज की लाइन बढ़ती है तो इंसान का अपनी पत्नी से, या अगर हस्बैंड है तो वाइफ से, वाइफ है तो हस्बैंड से, तो इनका विचार एक तरह से आपस में मेल नहीं खाते, विचार एक मतभेद होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एक होता है कि उत्तर की दिशा में चलेगा, एक दक्षिण की दिशा में चलेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी ये गैप थोड़ा कम है, धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनके जो आपस में विचार हैं वो मिलने लगेंगे, ऐसी कोई खराब बात हाथ में नहीं दिखाई देती। चलिए जो है हाथ में चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या इनके हाथ में। एक इनका क्वेश्चन था फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, तो देखिए फॉरेन कंट्री से यहाँ से रेखा निकल रही है, ये बताती है किसी लेडी से सपोर्ट, किसी लेडी से जीवन में साथ होना, जैसे कि कई बार माता का बहुत सपोर्ट होना, कई बार बहन का सपोर्ट होता है इस तरह का, या कई बार होता है फीमेल कुलीग्स के साथ काम करना पड़ता है इंसान को, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। परंतु चंद्रमा देखिए इनका दबा हुआ है, तो ये फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जाने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होने देता। इसके लिए जो चंद्रमा चाहिए वो मोटा फूला हुआ होना चाहिए, जैसा ऐसा लगना चाहिए कि जैसे सूजन आ रही हो, या जैसे कि एक पफीनेस, एक फ्लफीनेस हाथ में होनी चाहिए। ये देखिए दबा हुआ है, तो ये इनको फॉरेन कंट्री घूमने तो ये जा सकते हैं, घूमने की लाइन्स इनके हाथ में, लेकिन वहाँ जाके पैसे कमाना, वहाँ से एक वहाँ जाके बस जाना, इस तरह की चीज़ें हाथ में फिलहाल अभी नहीं दिखती है। हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में अपने बच्चे के सहारे ये फॉरेन कंट्री जाएं और वहाँ पे बसने की सोचें। तो और ऐसे लोग क्या होता है कि घर परिवार से दूर रह के
तरक्की पाते हैं। ये देखिए जब रेखा इतनी ऐसी चलती हैं तो घर परिवार से दूर भी रहते हैं, घर परिवार से दूर रह के तरक्की मिलती है कई बार। अब हाथ में देखें यहाँ पर कि इनके रेक्टेंगुलर पाम है, अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है, और पिंक कलर का पाम धन का कारक होता है, खूब धन दिलवाता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो रेक्टेंगुलर पाम है, ऐसे लोग बहुत एक तरह से दिमाग काफ़ी चलाते हैं, बहुत दिमाग सोचते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नई नई टेक्निक्स के बारे में सोचते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में ये लोग बहुत सोचते हैं। और इनकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी खासी होती है, देखिए कितनी बड़ी लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में, तो ये चीज़ भी हाथ में दिखाई देती है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो ये देखिए धन की तिजोरी, कितनी बढ़िया धन की तिजोरी इनके हाथ में बनी हुई है, और खूब धन कमाएंगे। इतना बड़ा धन की तिजोरी हो इंसान के हाथ में तो बहुत तो सॉलिड फाइनेंशियल पोजीशन जीवन में इंसान कर लेता है, और इंसान के हाथ में एक तरह से कहना चाहिए कि अंदर इंटरनल पोजीशन, जैसे चाहे प्रॉपर्टी की बात हो चाहे इंसान की अपनी इंटरनल पोजीशन हो, काफ़ी सॉलिड बन जाती है। यहाँ पर देखें मनी ट्रायंगल की बात करें तो ये देखिए बैंक बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड रहेगा। जैसे कई बार होता है इंसान कोई बिजनेस करता है या कोई काम करता है या कोई आपने अपना हॉस्पिटल खोला तो उसमें इन्वेस्टेड रहेगा आपका पैसा, इस तरह की चीज़ होती है। इंटरनली वो चीज़ सॉलिड होती जाती है और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके आपको एक बड़ा साम्राज्य आप खड़ा कर लेते हैं। अब हाथ में आते हैं देखिए इनके यहाँ पर पर्वत देखें तो चंद्रमा देखिए जैसे हमने देखा दबा हुआ है, लेकिन शुक्र अच्छा है, इनका गुरु थोड़ा सा दबा हुआ है, शनि इनका फ्लैट है, और ये सूर्य इनका फ्लैट है, और बुध इनका अच्छा है, इस तरह के ही पर्वत दिखते हैं। मंगल क्षेत्र भी अच्छा है इनका, और देखिए अब अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, तो हम पर्वतों के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, डीप इसको ढंग से एलैबोरेट करेंगे। यहाँ पर देखें हाथ में इनके जीवन का ग्राफ देखते हैं तो जीवन का ग्राफ अच्छा खासा चल रही है, एक बार जो जीवन की गाड़ी चढ़ी वो फिर सीधा एकदम लास्ट तक चलती जाएगी। अब हाथ में देखते हैं कि देखते हैं इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, ये देखिए उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है, उंगली एकदम इस तरह से सीधी है। ऐसे लोग बहुत वर्कहोलिक होते हैं, वर्क इज वर्शिप इस टाइप का मोटो जीवन में होता है। अब देखें हाथ में यहाँ पर सूर्य की फिंगर लंबी है, देखिए गवर्नमेंट जॉब दिलाने में कई बार ये चीज़ भी काउंट होती है, सूर्य की फिंगर का लंबा होना। साथ में सूर्य की फिंगर में इनके एक गुण होते हैं कि इंसान अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपनी विद्या के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। ये छोटे छोटे झरोके दिखाते हैं खर्च करने की टेंडेंसी को, कि इंसान का खर्चीला स्वभाव होता है, पैसा खर्च करने के काफ़ी शौकीन होते हैं। इनकी उंगलियों में ये देखिए कि एक चीज़ खास बात है, ये पोरे जो हैं इनके ये ऊपर से बीच में से उठे हुए हैं, देखिए ऐसे मोटे फूले हुए एक तरह से, ये भी इंसान को भाग्यशाली बनाते हैं, धन का कारक होते हैं। इंसान जो कुछ भी मेहनत करता है उसका पूरा पूरा फल पाता है, खूब धन कमाता है अपने जीवन में। ऐसे लोग जब तक जीवन है तब तक इनके धन चलता रहता है, तब तक ये लोग धन कमाते रहते हैं, ये कहिए कि जीवन में आखिरी सांस तक ये लोग धन कमाते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर इनके चलते हैं फिंगरप्रिंट्स, एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए छोटी फिंगर है, छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस से ऊपर चल रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, हर जब तक सेटिस्फाइड नहीं आते तब तक उस चीज़ के लिए यस नो नहीं करते, ये लोग कोई आंसर नहीं मिलेगा इनकी तरफ से, और हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, टैक्टफुल होते हैं कि कब किससे कैसे काम निकलवाना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर एक देखा रिसर्च करने की बड़ी भावना होती है, हर चीज़ को बहुत एकदम रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर पूरा एक अपना टाइम लगाएंगे, अपनी एनर्जी लगा डालेंगे, तो उस पर ऐसी टेंडेंसी इनके अंदर देखी जाती है। अब आते हैं हाथ में इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह का हमें गोल्डन लूप दिखता है गुरु की फिंगर पर, तो ऐसे में इंसान अपनी नॉलेज को अपडेट करने में काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ ही ऐसे लोगों के अंदर एक अनसेटिस्फेक्शन होता है अपने प्रोफेशन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, कई बार इंसान को लगता है जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है नहीं है, हमारी लाइफ में हम वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचना चाहते थे क्या हम पहुँच पाएंगे, इस तरह के इनके अंदर क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं, और कई बार इस वजह से इनके माइंड में अनसेटिस्फेक्शन बना रहता है। अब देखिए हाथ में ये देखिए ये इस तरह का उल्टा लूप है, और इस तरह का उल्टा लूप जब भी हाथ में होता है शनि की फिंगर में, जो भी दिक्कत परेशानी जीवन में आती है उसको बहुत अच्छी से समझदारी से ये लोग मैनेज करते हैं।
गुरु के फिंगर पर जब भी मैंने इस तरह का उल्टा लूप देखे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन होता है, परिवार वालों का सपोर्ट भी जीवन में कम मिलता है। अब आते हैं हाथ में सूर्य की फिंगर पर। सूर्य की फिंगर पर देखिए ये है चक्र का निशान। ये देखिए चक्र का निशान बहुत अच्छा है। चक्र का निशान ज़्यादातर कई बार होता है कि जब भी कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे अपना काम हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब हो, ऐसे में इंसान बहुत तरक्की पाता है। ख़ास तौर से 35 से 40 वर्ष के बीच ये लोग काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जीवन में उठान आता है, राइज करते हैं। अब देखिए ये छोटी छोटी रेखाएँ ये डिस्टर्ब करती हैं। कई बार होता है इंसान ने कोई काम करा, तारीफ तो मिलने की दूर की बात होती है, लेकिन जो अच्छा काम करता है तो तारीफ दूसरा ले जाता है, और बुरा काम अगर इनके जो गलती दूसरे करते हैं उसका ब्लेम इन पे कई बार लग जाता होगा। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए ये कुछ नेगेटिव रेखा शनि की फिंगर पे भी हमें दिखती है। तो जीवन में अनावश्यक टेंशन्स का आना ये चीज़ को बताती है। अब आते हैं बुध की फिंगर पर। तो बुध की फिंगर देखें क्या कहती है। बुध की फिंगर पर हमें दिखता है इस टाइप का उल्टा लूप। तो ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को नुकसान होता है। और ऐसे में कई बार देखिए इन लोगों को जब भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। और ऐसे लोगों को कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, जब भी ये उधार देंगे तो वो पैसा लौट के नहीं आएगा। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखिए ये इतनी लंबी लंबी रेखाएं, ये भी इंसान को काफ़ी भाग्यशाली बनाती हैं। ऐसे में इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे में एक ये धन का कारक होती हैं। इतनी सारी रेखाएं हाथ में होना, लंबी खड़ी रेखाएं होना, ये इंसान को धनवान बनाती हैं। अब हाथ में देखते हैं इनका अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए हाथ में ये अंगूठे पर भी चक्र का निशान है। हमने इनके सूर्य की फिंगर पर देखा था चक्र का निशान, यहाँ अंगूठे पर भी चक्र का निशान है। अंगूठे पर चक्र का निशान होना अपने आप में ही एक हाथ को कंप्लीट पावरफुल बनाता है। जैसे कि अंगूठे के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना हम चम्मच पकड़ के खाना खा सकते हैं अंगूठे के बिना, ना ही हम पेन पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो चक्र का निशान होता है चारों उंगलियों को बल देता है। हाथ में कोई और अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन ये चक्र अपने आप में ही पूरा कंप्लीट होता है। ऐसे में ये पूरे हाथ को बल देता है और इंसान को जीवन में बहुत तरक्की करवाता है। यहाँ पर देखें तो इनका जो विल पावर का क्षेत्र बहुत बढ़िया है। और ये देखिए अनावश्यक डिस्टर्बेंसेस इनके हाथ में दिखाई देते हैं। ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं ये अनावश्यक डिस्टर्बेंसेस कर रही हैं। ऐसे में इनको मेडिटेशन करना चाहिए, रोज़ सुबह उठ के ओम का उच्चारण करना चाहिए, उससे इनको काफ़ी इन रेखाओं से रिलीफ मिलेगा। इन रेखाओं का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो अपने आप नलीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखें हाथ में ये यव का चिन्ह है, ये इंसान को एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में एक अपने परिवार वालों का नाम भी रोशन करते हैं। यहाँ पर एक मंत्रा रेखा है, एक मुद्रा रेखा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स है, और एक इनकी यात्रा की रेखा है। जीवन में खूब यात्रा करेंगे, ऐसे ही हमने जैसे इनके चंद्र पर्वत पर देखा था बहुत सारी यात्रा की रेखाएं। तो जीवन में कई देशों की सैर करना, कई जगहों की सैर करना, अपनी इंडिया में ही कई जगह घूमना, इस तरह का हाथ ये दिखता है। अब यहाँ पर देखें तो लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर है, इस पर इन्हें वर्क करना चाहिए, इससे इनके काम में वृद्धि होगी। और एक कहना चाहिए कि जो लाइफ में आपको अचीवमेंट्स चाहिए वो अचीवमेंट भी हासिल हो। अगर हम ये देखें तो ये अंगूठा काफ़ी पीछे की ओर जाता है, और ये अंगूठा जब भी पीछे की ओर जाता है ऐसे लोग बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। ऐसे लोग कहीं भी किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा इनकी ख्वाहिशें नहीं होती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, इस तरह से नहीं चलते। ये लोग बहुत सादा जीवन, उच्च विचार में बिलीव करते हैं। अब देखिए हाथ में ये था राइट हैंड, और अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पर, देखेंगे वो क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें दिखता है उल्टा लूप, जैसे कि हमने राइट हैंड में देखा था। ऐसे लोग जीवन में थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन होना या अपने परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलना, कई बार होता है कि आप जिस तारीफ की चाह रख रहे हैं या कई बार होता है इंसान को जो सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो जीवन में कमी देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इस तरह का उल्टा लूप है। जीवन में जो भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है, उसको समझदारी से सामना करना, आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ इंडिकेट हो रही है। यहाँ पर भी देखिए हमें मिलता है चक्र का निशान, जो अपने आप में बहुत शुभ है। दोनों फिंगर में अगर हम दोनों हाथ की बात करें तो दोनों हाथों में हमें सूर्य के फिंगर पर हमें चक्र का निशान मिल रहा है। तो ये अपने आप में ही हाथ को काफ़ी पावरफुल बना रहा है। और ऐसे में देखिए जब भी ये इंसान को
करियर में बहुत राइज कराता है, खासतौर से 35 से 40 वर्ष के बाद तो बहुत ही तरक्की दिलवाता है। ऐसे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे लोगों की, वैसे वैसे ये लोग तरक्की पाते जाते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर हमें दिखता है फिर से कुंडल लूप राइट हैंड की तरह से। ऐसे में क्या होता है कि इंसान को जुआ सट्टा स्टॉक शेयर मार्केट से इन सबसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान मिलता है। अब आते हैं इनके अंगूठे की ओर और यहाँ पर भी हमें देखिए हाथों में ये पोर्शन जो इनका फर्स्ट पूरा है, ये फर्स्ट फैलेंज है, ये इनका पफी है, तो ये भी इंसान को धनवान बनाता है। अब चलिए हाथ में देखते हैं अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए हाथ में अंगूठे को देखें तो यहाँ पर हमें उन्नर लूप दिखता है। ऐसे लोग अपने परिवार के टुवर्ड्स बहुत डिवोटेड होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए नौछावर रहते हैं। होता क्या है ऐसे लोगों में एक इच्छा होती है कि परिवार वालों के जने क्या कर दूँ, भाई बहनों के लिए क्या कर दूँ, इस तरह की इनके अंदर इच्छा होती है। परंतु ज़रूरी नहीं कि जितना आप दूसरों के लिए लगाव दिखाएं दूसरे भी आपके लिए उतना लगाव दिखाएं, तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये ऐसे लोग होते हैं कि ज़रा कोई किसी की परेशानी सुन लेते होंगे, ज़रा किसी का दुख सुन लेते होंगे तो फ़ौरन दौड़ के मदद करने को तैयार हो जाते होंगे। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हिस्सा भी काफ़ी फूला हुआ दिखता है, तो ये भी इंसान के हाथ को एक तरह से बहुत पावर देता है। तो ये इनके हाथ में अगर हम देखें तो अंगूठे पर हमें दिखता है उन्नर लूप। अगर 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो हमें मिलते हैं हाथ में 3 चक्र। एक दोनों सूर्य की फिंगर पर चक्र देखा हमने, अंगूठे पर चक्र देखा, और बाकी समय हमें मिलते हैं उन्नर लूप। तो ऐसे में जब भी हाथ में इस तरह के चक्र होते हैं, अंगूठा और सूर्य की फिंगर का कॉम्बो जब होता है, जब इस चक्र का, तो ऐसे में इंसान बहुत पैसा भी कमाता है, बहुत तरक्की भी कमाता है। भले ही सुनने में आज अजीब लगे, लेकिन ऐसे लोग अब जब अपने आप को 60 वर्ष की उम्र में अपने आप को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत अपने आप को धनवान पाते हैं, बहुत पैसा। पता करिए अपने आप को 20 से 25 वर्ष की उम्र में जितना पैसा इनके पास था उससे अपने आप को तिगने लेवल पे ये लोग ले आते हैं जीवन में। और ऐसे लोग अगर मिलियनेयर की बात करें तो मिलियनेयर आराम से बन जाते हैं। अब हम कहें जैसे कि क्या मिलियनेयर का मतलब होता है कि 10 लाख रुपए, तो 10 लाख से ज़्यादा कि हम कह सकते हैं कि 3 से 5 करोड़ रुपए ये जीवन में कमा लेंगे। अब चलते हैं हाथ में माउंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के माउंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये देखिए गुरु पर्वत की ओर आते हैं, जैसे कि हमने देखा था गुरु पर्वत फ्लैट है, तो ऐसे में परिवार वालों का सपोर्ट कम मिलना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और ये देखिए ये एक रिंग ऑफ सोलोमोन है, यानी कि गुरु वलय। तो जब भी ऐसा गुरु वलय होता है तो इंसान एक धार्मिक विचारों वाला होता है, कहीं ना कहीं उनकी एक सिंपैथी भरा नेचर होता है, दूसरों की मदद करने की इच्छा होना या अध्यात्म की ओर रुझान होना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर भी देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये छोटी छोटी कुछ रेखाएं हैं, ये भी इनको दान पुण्य करने की इच्छा जगाती होंगी। और यहाँ पर देखें तो एक एपेक्स का चिन्ह भी मुझे दिखाई देता है। जब भी एपेक्स का चिन्ह होता है अपने फील्ड की बहुत भरपूर नॉलेज रखना, अच्छी खासी नॉलेज इन लोगों के अंदर देखी जाती है। अब हाथ में आते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मछली का चिन्ह है, ये बहुत छोटा सा इस तरह की पूंछ वाला मछली का चिन्ह है, तो ये आपको काइटनुमा भी लग सकता है। तो जब भी ऐसा चिन्ह होता है तो इंसान अपने जीवन में ओल्ड एज में खास तौर से अच्छी खासी ओल्ड एज, लग्जरियस ओल्ड एज जीवन में जीता है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा भी यहाँ पर आके अंत हो रही है, तो ये जब तक जीवन है तब तक कमाई करवाता है। यहाँ पर भी देखें तो एपेक्स का चिन्ह है, जो भी जीवन में दिक्कतें परेशानी आती है उससे लड़ने का साहस जीवन में मिलता है, और कोई ना कोई शक्ति इनको प्रोटेक्ट भी करती होगी। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ये देखिए ये इस तरह की रेखा है, अच्छी खासी पढ़ाई दिखाई इनके हाथ में दिखती है। आगे भी जीवन में अगर ये पढ़ना चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लोगों की पढ़ाई करने की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे लोग होता है कि कभी आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या कभी आपने एक बुक ला के पढ़ी तो वो भी पढ़ाई का ही रूप मानी जाती है, और ऐसे लोग निरंतर पढ़ने वाले में से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गया तो बस किताबें उठा के रख दो, ये लोग इस तरह के लोग नहीं होते। जब इतनी लंबी रेखा होती है तो ये लोग जीवन भर पढ़ते हैं, इनको कोई ना कोई मटीरियल हर वक्त इनके दिमाग में चलता रहता है कि कोई ना कोई कुछ और मिले मुझे पढ़ने को, कहीं से कोई और ज्ञान मिले, चाहे भले ही ये नेट से सर्च करके पढ़ें, चाहे भले ही कोई ब्लॉग पढ़ के अपनी इच्छा को पूरी करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, लेकिन इनको ज्ञान बढ़ाने की इच्छा इनके अंदर निरंतर चलती रहती है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर हमने देखा था एक त्रिशूल नुमा चिन्ह, तो ये भी हाथ को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ पर देखिए सूर्य रेखा कुछ इस तरह से चल रही है। जब भी इस तरह की सूर्य रेखा होती है तो इंसान अपने 30s में
तो काफ़ी नेम फेम पाता है अपने एक तरह से 30 ईयर्स के बाद खासतौर से एक अपने रिश्तेदारों में अपने जान पहचान वालों में अच्छी एक पोजीशन बना लेता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो इनके एक मुझे शुक्र वलय भी दिखा था, ये देखिए इस तरह से शुक्र वलय बन रहा है। ऐसे लोग अपने परिवार वालों के लिए बहुत लकी होते हैं। जब परिवार में जन्म लेते हैं तो माता पिता को एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है, अब जब इनकी शादी होती है तो पता चलता है पत्नी को बेनिफिट मिल रहा है, भाई बहनों को बेनिफिट मिलता है, बच्चों को बेनिफिट देते हैं ऐसे लोग। तो ये इनका लक दूसरों के लिए काम करता है। इनके पास खुद पहनने के लिए चाहे 4 जोड़ी कपड़े होंगे लेकिन इनके घर वालों के पास इनसे ज़्यादा कपड़े होंगे। होता क्या है, ऐसे लोगों के लक से दूसरे लोग को बेनिफिट मिलता है, इनके परिवार वालों को बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक शुभ पैर वाले बच्चे जिसको कहते हैं हमारे इंडिया में, कि जैसे कि बच्चे के पैर बड़े शुभ हैं, या होता है कि बड़ा लकी पर्सन है, ये इस टाइप के चीज़ों का ये इंडिकेशन शुक्र वलय देता है। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर बुद्ध पर्वत की ओर, अच्छा खासा बड़ा बुद्ध पर्वत है। और ये देखिए ये यहाँ पर भी अपेक्स की चिन्ह है, अच्छे सलाहकार होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं। यहाँ पर देखें तो बुद्ध की रेखा कुछ इस तरह की है, और ये देखिए ये इस तरह की रेखा भी चल रही है। तो ऐसे लोग स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा खासा स्वास्थ्य रहता है, अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बुद्ध की रेखा अच्छा सलाहकार बनाती है, जब भी ये सलाह देते होंगे बड़ी अच्छी सलाह लोगों को देते होंगे, और ऐसे लोगों से लोग दूर दूर से सलाह लेने आते हैं। देखिए डॉक्टरी क्षेत्र में जब इंसान जाता है तो उसके हाथ में यहाँ पर ये इस तरह की रेखाएं, 3 रेखा दिखती हैं, वो मेडिकल लाइन्स इनको कहते हैं, और उससे ज़्यादा रेखाएं होती हैं। तो ऐसे लोग लोगों का काफ़ी इलाज करते हैं, हीलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, लोगों का एक तरह से इलाज करना, लोगों को ठीक करना, इस तरह के कार्यों में ये लोग लगते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो ये एक रेखा मुझे दिखाई देती है, ये इस तरह से, इसे कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। ये देखिए इस तरह की रेखा जब भी यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचती है तो पूर्व पुण्य रेखा है। तो ये रेखा इंसान के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में दिलवाती है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रेखा है, ये कई बार होता है कि इंसान को अनावश्यक टेंशन देती है, या कई बार होता है कि आपको पुलिस का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी दे सकती है। तो इससे इनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। या कई बार होता है इंसान को अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल ड्रीम्स का आना, इतनी छोटी रेखा होती है कई बार ड्रीम्स का आना, अनयूजुअली इंसान को परेशान करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत इनका अच्छा है, और यहाँ से ये देखिए रेखा ये आ रही है मस्तिष्क रेखा, और यहाँ से रेखा इस तरह से निकल निकल के जुड़ रही है। तो ये सब जो है ऐसा लगता है कि घूमने फिरने की रेखाएं, काफ़ी फॉरेन कंट्री जाने की इच्छा रखना, फॉरेन कंट्री जाना, फॉरेन कंट्री से लाभ पाना, कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हो सकता है बाद में बड़ी उम्र में जाके ही अपने इनके बच्चे फॉरेन कंट्री निकल जाएं तो ये भी वहाँ जाके बसने लगें, तो ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है। ये देखिए खूब छोटी छोटी रेखाएँ हैं, तो घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन दिखते हैं ऐसे लोग। कई बार इतने ज़्यादा घूमते हैं कि हर साल कोई ना कोई ट्रिप बना लेते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स है, लाइन ऑफ ये वाया लाजविया, तो लाइन ऑफ डिज़ायर्स भी दिखती है। और एक इनके हाथ में मुझे उल्टी मछली का चिन्ह दिखता है। उल्टी मछली का चिन्ह जब भी होता है इंसान अपने थोड़ा सा होता है कि 40s के बाद, थोड़ा सा 40 से 45 के बीच तरक्की ज़्यादा शुरू करता है। ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की थोड़ी सी लेट आती है, जीवन में ऐसा रहता है चीज़ें रुक रुक के चल रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की पाते हैं। मछली का मुँह नीचे की ओर होने की वजह से तरक्की थोड़ी देरी से आती है। अब हाथ में आते हैं शुक्र पर्वत की ओर। देखिए शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत थोड़ा सा दबा है, हालांकि घेराव अच्छा है। तो शुक्र पर्वत जब भी दबा होता है इंसान अपने जीवन में, देखिए सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करता है, थोड़ा सा जीवन के प्रति उत्साह की कमी होती है ऐसे लोगों में। ऐसा लगता है कि थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन है, खुश नहीं है, या होता है कई बार कि सब कुछ है मेरे पास में लेकिन मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन बना हुआ है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर अब चलते हैं इनकी लाइन्स की ओर, तो यहाँ पर ऐसा लगता है लाइंस को देखें तो ये देखिए यहाँ पर मुझे यव के चिन्ह दिखाई देते हैं, ये यव के चिन्ह। तो ऐसा लगता है 20s में और अर्ली एज में भी इन्होंने कुछ परेशानियाँ देखी है, पारिवारिक समस्या, परेशानियाँ, इस तरह की चीज़ देखी हैं। तो जो इनको इनका अगर समय देखें तो 20s में, अगर 23-24 के आसपास का समय देखें तो काफ़ी टेंशन भरा रहा होगा। ऐसी ये वाला भी, ये अर्ली अगर हम देखें 18-20 साल की उम्र में। यहाँ पर देखें जैसे जैसे लाइफलाइन बढ़ रही है वैसे वैसे साफ होती जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर एक
ये देखिए थोड़ा दबाव है रेखा पर, जैसे कि थोड़ा अपने काम को लेकर टेंशन होना, परेशानी होना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है रेखा साफ हो रही है। थोड़ा सा अगर इनकी जीवन रेखा पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमजोरी होना, शारीरिक कमजोरी होना, इस तरह की चीज़ें, या जल्दी थकान महसूस करना, इस तरह की चीज़ दिखती हैं। लेकिन इनके अगर हम हाथ में देखें तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से गोल घुमा जीवन रेखा ले रही है, और यहाँ पर ये इस तरह से छोटे छोटे थोड़ा सा ये स्वास्थ्य को कमज़ोर बनाती है, या हेल्थ, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़, या जैसे शारीरिक कमजोरी होना, थोड़ा सा इंडाइजेशन, थोड़ा फटीग होना, इस तरह की चीज़ों की ओर इशारा करती है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्रमोशन की बात करें तो ये देखिए ये इस तरह से एक रेखा यहाँ कट कर रही है ये, तो ये तो ऐसा लगता है 35-36 वर्ष में कोई दिक्कत आई होगी, उसका इंडिकेशन देती है। ये देती है 43-44 के आसपास का इंडिकेशन, प्रमोशन के चांसेस दिखाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी कुछ 50, ये देखिए ये कुछ बड़ा बेनिफिट दिखता है, अगर हम देखें तो 63 के आसपास ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिखाई देता है। और उसके बाद जीवन रेखा फिर भी साफ साफ चल रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो 62-63 के आसपास कोई बड़ा बेनिफिट, कोई बड़ा धन लाभ दिखाता है। अब हाथ में आते हैं भाग्य रेखा की ओर। देखिए भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है, और भाग्य रेखा को देखें ध्यान से, ये देखिए तो ये यहाँ पर 20s में दबाव नमी है, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी 24 के बाद से, 25 के बाद से ये चलती गई, और यहाँ 35 के बाद से ये डबल रेखा हो रही है। 37 के आसपास से, 35 से 37 के बीच कोई नया काम शुरू कर लेना, साथ में कुछ पैरेलल इनकम चलाना, 38 के आसपास इनका कोई बड़ा खर्चा हुआ होगा, फिर 48 के आसपास कोई बड़ा खर्चा दिखता है, और अगर हम देखें 53 के आसपास कोई खर्चा दिखता है आगे। लेकिन ये रेखा साफ स्वच्छ चल रही है, कोई पैसे की दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट जॉब है तो ये रेखा यहाँ आके रुक गई है, हो सकता है कि ये 60 के आसपास जाके इनका रिटायरमेंट हो जाए, तो इस तरह की इंडिकेशन देती है। बाकी भाग्य रेखा इनकी बढ़िया है। देखिए यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेखा इस तरह से यहाँ तक भी जा रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी की, पैसे की, रुपए की नहीं दिखती। अगर हम हाथ में देखें, जैसे इनका क्वेश्चन था क्या मैं मल्टी मिलियनेयर बन पाऊँगा, तो हाँ जी बन पाएंगे, काफ़ी अच्छा हाथ है, काफ़ी ग्रोइंग हैंड है, काफ़ी अच्छी इनकम जीवन में बनी रहेगी हाथ में। फॉरेन कंट्री का सुख भी आपको दिखाई देता है, फॉरेन कंट्री फिलहाल अभी आप एकदम सेट नहीं हो पाएंगे कि फॉरेन कंट्री जाके बस जाएं, लेकिन आप फॉरेन कंट्री घूमने जाना चाहेंगे तो घूमने समय समय पर जा सकते हैं, आपको हाथ में काफ़ी अच्छे योग हैं। अब अगर हाथ में देखें यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की ओर, तो मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर भी ये देखिए ये हमने देखा था एक ये, तो ये भी ऐसा लगता है 25-26 के आसपास दबाव का चिन्ह दिखता है, जो मानसिक परेशानी दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये परेशानियां दूर होंगी। यहाँ पर इस समय ये देखिए 40s में ऐसा लगता है 40-41 के आसपास भी कुछ टेंशन जीवन में दिखती है, या कई बार होता है इंसान व्यर्थ की टेंशन ज़्यादा लेता है, इसकी वजह से भी ऐसी रेखा पर दबाव दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये इस तरह से नीचे की ओर रेखा ढल रही है, तो ये दिखता है कि कोई ऐसा मानसिक तनाव लेना बार बार, या कोई ऐसी जीवन में घटना होना जिसकी वजह से 35 के आसपास कोई ऐसी घटना हुई कि जिसकी वजह से इंसान जीवन में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डाउन फील करना, डिप्रेस फील करना, इस तरह की चीज़ दिखती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें शांत होती जाएंगी, लाइफ स्मूथ होती जाएगी। एक इनके हाथ में मुझे यहाँ पर एक लूप दिखता है, ये देखिए ऐसे लोग कई बार गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या पेट्स का शौक़ रखते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें हृदय रेखा को, देखिए हृदय रेखा की अगर हम देखें ये देखिए काफ़ी दबाव नुमी हृदय रेखा। ऐसे लोग देखिए कोमल हृदय के होते हैं, जल्दी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा परेशानी होती है। और कई बार देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसे लोगों को बातें जल्दी चुभ जाती हैं, दूसरे ने मजाक में कोई बात कही तो कई बार होता है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है कह दो कुछ भी, इनको क्या बुरा लगेगा, तो दूसरे लोगों के व्यंग के बाण इनको सुनने पड़ते होंगे। और ऐसे लोगों को कई बार होता है कि अच्छा काम करने के बावजूद भी ताने सुनने को मिलते हैं। अब देखिए ये तो था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड इनका क्या कहता है। एक इनका प्रश्न था क्या ये बुक अपनी पब्लिश कर सकते हैं। देखिए ये पब्लिश करने के लिए यहाँ पर ये रेखा पर ये देखिए ये फोक नुमा रेखा है, तो ये आगे जाके जीवन में अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हैं। रेखा फोकनुमा जब भी होती है तो पब्लिशिंग की ओर ले जाती है। और जैसे गवर्नमेंट जॉब में, जैसे इन्होंने कहा कि टीचिंग का जॉब है, तो टीचिंग के जॉब में क्या ये
और आगे पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए इतनी अच्छी विद्या की रेखा इनके हाथ में है, साथ ही साथ गुरु पर भी देखिए इस तरह का वलय होता है, तो कई बार जैसा कि टीचिंग जॉब में भी अच्छी उन्नति दिलवाता है। और एक इनका प्रश्न था अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, तो देखिए कितना बड़ा स्क्वायर इनके हाथ में दिखता है, तो अपनी प्रॉपर्टी अच्छी खासी बना लेंगे जीवन में। यहाँ पर खर्चे का योग भी जीवन में दिखता है, 48 के आसपास हमें दिखा था, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। घर भले ही लेट बने लेकिन बहुत बड़ा घर ये बना लेंगे। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। अब देखिए हाथ में लेफ्ट हैंड को देखें तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ये भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल रही है। लाइफ लाइन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि पारिवारिक कलेश होते हैं या फिर इंसान बार बार परेशान रहता है टेंशन लेने की वजह से भी। देखिए मस्तिष्क रेखा पर भी डिस्टर्बेंस है, ये देखिए इस तरह के हृदय रेखा पर भी डिस्टर्बेंसेस है। होता क्या है कि जब आपके अपने परिवार वालों से थोड़ी सी अनबन रहती है तो आपको उस चीज़ की मस्तिष्क रेखा में टेंशन लेनी पड़ती है, या फिर होता है कि हृदय पे बातों को ले लेना, और ऐसी ये देखिए इस चक्कर में आपका जीवन भी थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो इस हाथ में भाग्य रेखा इस हाथ में भी अच्छी है, और ये देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से मस्तिष्क रेखा दो में डिवाइड हो रही है। जैसे कि इनका बुक का मन था कि बुक पब्लिश करवाने का, तो बुक भी पब्लिश होती है ऐसे लोगों की। यहाँ पर देखें तो रेखा काफ़ी चंद्र पर्वत से निकल रही हैं, तो ये सब एक होता है कि आपको लाभ भी दिलवाती हैं, बाद में जीवन में लाभ मिलता है, और फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना या होता है किसी लेडी का सपोर्ट होना जीवन में, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखिए एक नक्षत्र का चिन्ह भी है बीचों बीच, इस तरह का बीचों बीच नक्षत्र का चिन्ह है जो अपने आप में ही काफ़ी, देखिए यहाँ पर भी एक नक्षत्र का चिन्ह है देखिए, तो ये अपने आप में ही एक इनको जीवन में तरक्की दिलवाता है। अब देखिए हाथ में जैसे इनका प्रश्न था कि परिवार वालों से पटरी नहीं खाती तो क्या उपाय करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरु भी आपका दबा हुआ है तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको उसको बल मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी ये देखिए छोटा सा तिलका होना ये भी नुकसान करता है इंसान को, इसलिए पारिवारिक कलेश मतभेद कराता है। आप कोई भी काम करते होंगे उसमें आपको ताने सुनने को मिलते होंगे, विचारों का मतभेद रहना, विचारों का कम मिलना। और देखिए एक हमें ये स्टार, एक हाथ में ही हमें तीन स्टार दिखाई देते हैं, अकस्मात धन लाभ के योग बनाता है ये स्टार। अगर देखें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करें, देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमें परिवार से, हमें जो पालन पोषण परिवार से मिलता है, जो रखरखाव परिवार से मिलता है, तो इनका ऐसा लगता है अच्छे परिवार में जन्म लेना, अच्छा रखरखाव मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए भाग्य रेखा ऐसे शुरू हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें राइट हैंड की, जो इंसान अपने खुद कर्मों से बनाता है, तो राइट हैंड भी इनका काफ़ी अच्छा है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा, जीवन में काफ़ी कुछ कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड में ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी सॉलिड पोजिशन होना, काफ़ी अच्छा कुछ हाथ में होना, परिवार वालों ने बहुत कुछ किया होगा इनके लिए और इनको तरह के सुख सुविधा के साधन भी दिए होंगे। और लेकिन राइट हैंड बताता है कि आप खुद अपने बलबूते पर क्या कर पाएंगे, आप अपने बलबूते पर काफ़ी कुछ कर पाएंगे। आपके जो राइट हैंड में देखें तो अंगूठे और सूर्य की फिंगर दोनों पर आपको हमें चक्र के निशान देंगे, जो अपने आप में ही बहुत बढ़िया है। ऐसे ही हमने देखी एक मछली जिसका मुंह उल्टा था, तो वो भी हमने आपके हाथ में देखा, त्रिशूल का चिन्ह भी देखा, और शनि पर्वत पर भी हमने मछली का चिन्ह देखा। तो अच्छे चिन्ह उस हाथ में भी, इस हाथ में भी हमें तीन एकदम चक्र के निशान, तीन हमें नक्षत्र के निशान मिले, तारे के निशान मिले, जो बहुत कम हाथों में मिलते हैं। तो हो ना हो ये एक ऐसे इंसान का हाथ है जो जीवन में बहुत उपलब्धियाँ पाएंगे, बहुत तरक्की पाएंगे। देखिए कोई भी इंसान के हाथ को अगर हम उसका रिजल्ट निकालें, समावेश निकालें, तब हमें पता लगता है 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में आके कि इंसान ने क्या खाया, क्या पाया, क्या खोया, कितना कर पाया। तो जब भी अपने आप को 60 साल की उम्र में देखेंगे तो इन्होंने जीवन में काफ़ी तरक्की पा चुके होंगे, बहुत कुछ इन्होंने बना लिया होगा, और भले ही इनका समय ऐसा लगता हो कि अभी जीवन में धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उल्टी मछली का चिन्ह वो धीरे धीरे तरक्की शुरू में दिलाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे काफ़ी तरक्की दिलाता जाता है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दुख परेशानी है वो सब दूर हों, और सब इनकी चिंताएं दूर हों, और जीवन में खूब तरक्की पाएं। अपने गायत्री मंत्र का जाप करें, उससे इनके पारिवारिक मतभेद भी दूर होंगे और तरक्की भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। धन्यवाद।